ऊष्मा भाग दो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे तो कुछ दिनों से बुखार था। डॉक्टरी थर्मोमीटर पर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। क्या आप सबको हमारे शरीर का सामान्य तापमान याद है? हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आप सब भी अब थर्मोमीटर के उपयोग के बारे में जानते हैं, पर क्या हम डॉक्टरी थर्मोमीटर से गर्म पानी का तापमान माप सकते हैं? गर्म चीजें ठंडी और ठंडी चीजें गर्म कैसे हो जाती हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क, प्रयोगशाला तापमापी; क, ऊष्मा का प्रवाहित होना; ग, चालक और कुचालक। रवि बेटा, जल्दी से दूध पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। माँ, यह तो अभी भी बहुत गर्म है, इसे जल्दी से ठंडा कर दो। माँ, क्या हम थर्मोमीटर से इस दूध का तापमान माप सकते हैं? नहीं रवि, ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टरी थर्मोमीटर सिर्फ शरीर का तापमान मापने के काम आता है। पानी का ताप, दूध का ताप या मौसम का ताप, इन सब के लिए प्रयोगशाला थर्मोमीटर होता है। आपने इस ग्लास को ठंडे पानी में रखा और यह कुछ ही देर में ठंडा हो गया, और देखो अब यह पानी थोड़ा गर्म हो गया है। क्या इसका मतलब है कि ऊष्मा यानी कि हीट गर्म से ठंडे की तरफ जाती है? हाँ, सही बोले तुम रवि, ऊष्मा गर्म से ठंडे की तरफ प्रवाहित होती है। क्या यही वजह है कि कल मेरी आइसक्रीम पिघल गई थी? हाँ बच्चों, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है। रवि, ये लो तुम्हारी विज्ञान की किताब। कल टीचर जी से बहुत सारे सवालों के जवाब पूछने पड़ेंगे। क्यों? क्या हुआ? क्या समझ नहीं आया तुम्हें? मेरे ऊष्मा के अध्याय में कई सवाल हैं। रवि बेटा, जरा सब्जी में करछी तो घुमा दो। ओह, यह करछी तो कितनी गर्म है। बेटा, वहाँ एक लकड़ी की करछी रखी है, वह ले लो। अरे, ये लकड़ी की चम्मच तो गर्म नहीं है, पर वो स्टील की चम्मच कितनी गर्म थी। हाँ, इसके बारे में हमारी विज्ञान की किताब में भी लिखा है, पर इसका कारण क्या है? चल रमेश, एक प्रयोग करते हैं। हम कुछ अलग अलग धातुओं से बनी चीजें लेते हैं और एक एक करके गर्म पानी में डालते हैं। देखते हैं कि कौन सी चीज पर ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। बच्चों ठहरो, मैं पानी गर्म कर देती हूँ। यह देख रमेश, मैंने यह लकड़ी की चम्मच, स्टील की चम्मच, यह कैंची, ये प्लास्टिक का स्केल और यह चीनी मिट्टी की चम्मच लिया है। चल इन सबको पानी में डाल देते हैं। ये देख रवि, स्टील की चम्मच कितनी गर्म हो गई।
और ये प्लास्टिक, लकड़ी और चीनी मिट्टी की चीजें तो गर्म ही नहीं हुई हैं। यह लोहे से बनी कैंची तो कितनी गर्म हो गई है। हाँ रमेश, मैंने देखा कि जब हम बगीचे में खेलते हैं तो वह लोहे की फिसल पट्टी भी तो कितनी गर्म हो जाती है। तो इसका मतलब है लकड़ी, प्लास्टिक आदि में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है। और स्टील, लोहा में ऊष्मा प्रवाहित होती है। सही निरीक्षण है। शाबाश बच्चों, जिन वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें चालक यानी कंडक्टर्स कहते हैं, और जिन वस्तुओं में ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक यानी इंसुलेटर्स कहते हैं। अच्छा, तभी कई बर्तनों के हैंडल यानी पकड़ने का स्थान प्लास्टिक के होते हैं, ताकि जब बर्तन में कोई गर्म चीज पक रही हो तो उसका पकड़ने का स्थान गर्म ना हो और हमारे हाथ ना जलें। हाँ, सही कह रहे हो। सूरज भी तो कितनी गर्मी देता है, और उसकी वजह से हवा और नदी, समुद्र आदि का पानी गर्म हो जाता है। तो क्या हवा और पानी ऊष्मा के चालक हैं या कुचालक? दोस्तों, आपने सीखा कि ऊष्मा गर्म से ठंडी जगह की ओर प्रवाहित होती है। जिन वस्तुओं से ऊष्मा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहते हैं, जैसे लोहा। और जिन वस्तुओं से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती उन्हें कुचालक कहते हैं। पर रवि के प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है कि हवा और पानी से ऊष्मा प्रवाहित होती है या नहीं? चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलते हैं।